इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज अम्बावता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सुनीता दुग्गल से आपने बातचीत की, इसके अलावा कल भी क्योंकि बैठक होनी है बीजेपी की, क्या कुछ खास तैयारियां उसके लिए और क्या रणनीतियां? जी बिल्कुल, देखिए आज की हम बात करते हैं तो सुबह 11 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी और अब तकरीबन 6 बजे के आसपास ये मीटिंग खत्म हुई है, यानी कुल मिलाकर कहें तो 7 घंटे तक बीजेपी का महामंथन चला। और इस मंथन में चर्चा इस बात पर की गई कि आगामी जो चुनाव है, चाहे उसमें गुरुग्राम नगर निगम हो, मानेसर नगर निगम हो या फिर फरीदाबाद का हो, किस तरह से रणनीति बनाई जाए। और उसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। एक बैठक तकरीबन आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर तकरीबन 3 घंटे तक चली, तो दूसरी बैठक जो है इस बात पर हुई कि हरियाणा में हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए और जो अब तक की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से लोग कितने खुश हैं। इन तमाम मुद्दों पर तमाम जिलों के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों से जो है राय मशवरा कहीं ना कहीं इस मीटिंग में किया गया और कोशिश इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूथ स्तर से लेकर और जो है स्टेट लेवल तक तमाम लोगों को बीजेपी के साथ लाया जाए ताकि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को बीजेपी जीत पाए। हालांकि कुछ हमारे साथ बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार आज की इस बैठक में क्या कुछ उनको ज्ञान दिया गया, क्या मंथन आपको दिया गया, क्या ज्ञान आपको सिखाया गया बड़े नेताओं की तरफ से? देखिए, बैठक में संगठनात्मक विषय को लेकर चर्चाएं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले ग्रास लेवल मंडल अध्यक्ष स्तर पर माना जाता था, लेकिन उससे आगे पार्टी शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ स्तर पर, उससे भी और आगे बढ़ते हुए पन्ना प्रमुख को लेकर के जो कार्य योजना है पहले भी चल रही थी, उसको विस्तार कैसे दिया जाए, उन सब विषयों को लेकर के चर्चाएं थी। उसके अलावा सरकार की जनहितकारी योजनाएं जितनी भी आम जन के लिए जो बनाई गई थी उस पर चर्चा थी, उसका लाभ कितने को मिला, इन सब चीज़ों की चर्चा रहती थी। और कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि आगे लगातार लोगों के बीच में इन योजनाओं को भी लेकर के जाएं ताकि आम जन को इनकी सुविधाएं और लाभ ले सके। दूसरा, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को हार मिली है, हिमाचल में हार मिली है, हरियाणा के तमाम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई गई थी, उन हार का असर हरियाणा के आगामी चुनाव में ना पड़े, इसको लेकर भी कुछ ज्ञान आपको दिया गया? देखिए, दिल्ली जो एमसीडी चुनाव के अंदर अगर राजनीतिक परिवेश देखिए तो हार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा है। चलिए नीरज, ये तमाम वो तैयारियां हैं जो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कर रही है, कल भी इसी तरह की एक बैठक देखने को मिलेगी, उसमें क्या कुछ जानकारी रहेगी उस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।